कॉफी पर बहुत रिसर्च हो रही है। एक नई मेटा स्टडी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। कॉफी में आश्चर्यजनक गुणों का दावा किया गया है। दिल की बीमारियों का खतरा 19% कम और स्ट्रोक की संभावना में 30% की कमी। यहां तक कहा जा रहा है कि कॉफी कैंसर के खिलाफ भी काम करती है, हालांकि इसके अभी पूरे सबूत नहीं मिले। कुल मिलाकर इस स्टडी ने पहली बार दिखाया है कि यहाँ ऐसे असर भी देखे जा सकते हैं जिन्हें हम साबित कर सकते हैं। मेडिकल न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट क्रिस्टियान जीना पेशेवर और निजी तौर पर कॉफी के बहुत बड़े फैन हैं। वे अपने मरीजों की थेरेपी में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि लीवर की बीमारी में कॉफी पीना फायदेमंद होता है। सिर्फ लीवर की सूजन के मामले में नहीं, बल्कि लीवर फिब्रोसिस यानी लीवर की कोशिकाओं के पैथोलॉजिकल बदलाव के मामले में भी। अल्कोहल नहीं पीने वाले अपने मरीजों को वे दिन में 6 कप कॉफी पीने की सलाह देते हैं, ताकि उन्हें कॉफी के फायदेमंद तत्वों का फायदा मिल सके। और ये कॉफी में मौजूद कॉफीन है जो लीवर की खास कोशिका पर असर करता है और उस कोशिका की गतिविधियों को रोकता है। इसकी वजह से हम आखिरकार लीवर फिब्रोसिस को रोक सकते हैं और इसके साथ लीवर के फेल होने की संभावना और लीवर सिरोसिस को भी रोक सकते हैं। जर्मनी की काइजरस्लाउटेन यूनिवर्सिटी में रिसर्चरों ने अपनी खोज में पाया है कि कॉफी इंसान के जीन तक जा सकती है। हाँ, हम साबित कर पाए हैं कि कॉफी का नियमित सेवन डीएनए की सुरक्षा करता है और इससे कैंसर या अल्जाइमर जैसी डीजेनरेटिव बीमारियों की रोकथाम हो सकती है। ये तो अच्छी बात होगी। इस स्टडी के वैज्ञानिकों ने 4 हफ्ते तक 84 पुरुषों के खून में डीएनए का टेस्ट किया। सर्वे में शामिल आधे लोगों ने हर दिन ब्लैक कॉफी के 3 बड़े कप पिए, जबकि बाकी को पीने के लिए सिर्फ पानी दिया गया। बाद में कोशिकाओं में डीएनए की जांच की गई। ये 2 कोशिकाओं का डीएनए है। बाईं ओर आप अपेक्षाकृत बिखरा क्षतिग्रस्त डीएनए देख रहे हैं। ये अत्यंत छोटे टूटे हुए टुकड़े हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जबकि दाहिनी ओर क्षतिग्रस्त नहीं हुई कोशिकाएं हैं। हम दिखा पाए हैं कि भागीदारों को 4 हफ्ते तक कॉफी पिलाकर हम डीएनए में होने वाली क्षति को कम कर पाए हैं। कॉफी किस तरह बनाई गई है, इससे तय होता है कि इसका असर क्या होगा। एस्प्रेसो के लिए कॉफी के बीज को फिल्टर कॉफी के मुकाबले ज्यादा देर तक भुना जाता है। इसकी वजह से एस्प्रेसो में अम्ल कम होता है और वो पेट के लिए उपयुक्त होती है। फिल्टर कॉफी में कैफेस्टोल और कावियोल की मात्रा कम होती है। ये दोनों ही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, इसलिए जिन्हें कोलेस्ट्रॉल की समस्या है उन्हें फिल्टर कॉफी पीनी चाहिए। कुछ लोगों की 2 कप कॉफी के बाद ही दिलों की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे लोगों को कॉफी नहीं पीनी चाहिए। हर इंसान अलग होता है, इसलिए जो इंसान बेहतर सह सकता है, पसंद करता है और दिन में 3 से 5 बार कॉफी पीकर संतुष्ट रहता है, वो पिए। एक अपवाद कैल्शियम की कमी वाली और गर्भवती महिलाएं तथा कार्डियक एरिथमिया वाले मरीज हैं, उन पर कॉफी के बुरे असर के संकेत स्टडी में मिले हैं। कॉफी में मौजूद करीब 1000 तत्वों में किनका सकारात्मक असर होता है और उनका कैसे इस्तेमाल होना चाहिए, इस पर शोध चल रहा है। यहाँ ये देखना होगा कि क्या हम कॉफी के तत्वों का संवर्धन कर सकते हैं, क्या हम इन तत्वों को कॉफी से बाहर निकाल सकते हैं, तब वो संभवतः दवा के रूप में मिल सकेगा। शोध सचमुच इस ओर बढ़ रहा है। और जब तक ये होगा, आप अपनी कॉफी की चुस्कियों के मजे लीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करिए और कमेंट भी करिए। और हाँ, DW हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारे वीडियो मिले सबसे पहले। तो तुरंत दबाइए इस बटन को।